बात को ध्यान से समझ लें कि दोनों बातें संभव हैं, पैसे से व्यापार बनाया जाता है या व्यापार से भी पैसा बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तविकता में ऐसा भी होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बिजनेस से पैसा कमाया जाता है और कुछ लोग ये मानते हैं कि पैसे से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, मतलब मनी वर्सेज बिजनेस और बिजनेस वर्सेज मनी। तो सबसे पहले समझते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड, मतलब पूंजी प्रधान तकनीक। आज बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं और बहुत ही कम समय में एक ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाता है। और जब ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाता है तो बहुत कम समय में वो ब्रांड पैसा कमाना शुरू कर देता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ कैपिटल इंटेंसिव मेथड के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। आप जानते होंगे कुछ ही समय पहले सिम कार्ड कंपनी में जियो एक सिम आया और जियो ने 2,00,000 करोड़ रुपए निवेश किए और उस निवेश के बाद एक मार्केट का बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया। जियो एक ऐसी सर्विस लेके आया जिसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। कैपिटल इंटेंसिव मेथड में एक ह्यूज कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया जाता है और धीरे धीरे करके मार्केट का बहुत बड़ा शेयर ग्रैब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो कंपनी बहुत बड़ी सफलता हासिल करती है। और जियो ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कार बनाने वाली कंपनी जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च करती है तो उसका प्रमोशन, उसकी ब्रांडिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर करती हैं और बहुत जल्दी बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती हैं। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं जो प्रोडक्ट या सर्विस कैपिटल इंटेंसिव मेथड के थ्रू मार्केट में लॉन्च की गई है वो बहुत अधिक सफलता हासिल कर सके, क्योंकि कई बार वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी के पैमाने पर खरा नहीं उतरता जिस क्वालिटी को कंज्यूमर स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए जैसे टाटा नैनो एक बहुत बड़ी कैपिटल इंटेंसिव मेथड का एग्जाम्पल है, जो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया। रतन टाटा ने कई 1,000 करोड़ रुपए निवेश किए टाटा का प्लांट लगाने में, प्रोडक्शन करने में, एडवर्टीजमेंट करने में, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा नैनो सफल नहीं हो पाई। इसीलिए कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पैसे के बिना व्यापार करना बहुत कठिन है और बिना पैसे के व्यापार नहीं किया जा सकता। इसी के विपरीत लेबर इंटेंसिव मेथड है, मतलब श्रम प्रधान तकनीकी। कोई व्यक्ति जब एक व्यापार शुरू करना चाहता है लेकिन पूंजी का अभाव उसके पास होता है तो धीरे 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 करके वो उससे संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करके, उससे संबंधित मेहनत करके या उस इंडस्ट्री में काम करके कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है और उस बिजनेस को करना शुरू कर देता है और धीरे 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 उस व्यापार के आकार को और प्रारूप को बड़ा करना शुरू करता है। हमारे देश में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लेबर इंटेंसिव मेथड के माध्यम से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया और आज वो कंपनी बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी बन चुकी है। हमारे देश में लेबर इंटेंसिव मेथड से व्यापार को बहुत बड़े आकार तक ले जाने के हजारों एग्जाम्पल हैं। जेसी चौधरी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। जेसी चौधरी इज अ सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। जेसी चौधरी ने घर के एक छोटे से रूम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया और धीरे धीरे नाम प्रसिद्धि तक पहुंच गया और आज आकाश इंस्टीट्यूट संपूर्ण भारतवर्ष में 136 ब्रांचेस के साथ कार्यरत है और उनका आईपीओ 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर के माध्यम से लेने के लिए बाजार में आईपीओ के साथ उतर चुका है। और जेसी चौधरी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। Redbus.in के फरिंदर सामा ने एक छोटी सी जॉब करते करते एक वेबसाइट बनाई और सन 2012 में IBIBO.com ने 1216 करोड़ रुपए में Redbus.in को खरीद लिया। भुज के एक छोटे से गांव में मनसुख लाल प्रजापति ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया और आज वो कंपनी मिट्टी कूल के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने एक ऐसा फ्रिज डेवलप किया जो मिट्टी का बना हुआ था और बिना बिजली के भी फल और सब्जियों को ताज़ा रखता था और वो ब्रांड एक इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बन गया। और इसके ऊपर हमने केस स्टडी भी दी हुई है कि मनसुख लाल प्रजापति ने मिट्टी कूल को कैसे 1,000 करोड़ की कंपनी बनाया।
तो फ्रेंड्स, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत अधिक पूंजी हो तभी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास बिजनेस का आइडिया है, आप उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करें। जब आप काम निरंतर करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आपके पास अच्छी पूंजी है या आपको पता है कि किस तरह से निवेशक को अपने बिजनेस में इन्वाइट करके पूंजी एकत्रित की जा सकती है, तब भी आप व्यापार कर सकते हैं। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स, उनके पास बिजनेस के बेस्ट आइडियाज़ होते हैं, बिजनेस का बेस्ट प्रपोजल होता है, और वो अपने प्रपोजल को इन्वेस्टर्स के सामने शो करते हैं और कैपिटल रेज करते हैं, और उसके बाद बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कैपिटल हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिना पैसे के भी व्यापार शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप फंडिंग के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो आप कैपिटल रेज करके भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान से समझ लें कि दोनों बातें संभव हैं, पैसे से व्यापार बनाया जाता है या व्यापार से भी पैसा बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मोबाइल फोन में सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। आप जानते हैं हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आप जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स के आए हुए क्वेश्चंस का हम लोग जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ इस सीरीज पे बने रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं, हम सबका नया दोस्त। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।